नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। मैं इस टेलीग्राम के चैनल से के माध्यम से आपको इसमें चार्ट एनालिसिस करना और हर चीज़ें बताता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसके माध्यम से मैं कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं ये टेलीग्राम चैनल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मार्केट में जो लूट हो रही है उससे बचने के लिए। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनका मुझे फ़ोन आता है कि सर, मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये देकर ट्रेनिंग ली थी, बट इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, बट जब मैंने घर पर आकर मैंने ट्रेडिंग करनी चालू की और जब उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया, तो सर उसमें रिजल्ट ज़ीरो था। तो सो मैंने ये चैनल इसलिए चालू किया था, इसमें मैं अपनी सारी चार्ट एनालिसिस वगैरह डालते रहता हूँ। इसमें आप जो है चार्ट ड्रॉ करना सीख सकते हैं, आपने कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो सीख सकते हैं, आप कैसे सपोर्ट लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है वो सीख सकते हैं। मतलब देखिए, मार्केट में जो मेन चीज़ होती है वो होती है चार्ट ड्रॉ करना। अगर आपको चार्ट ड्रॉ करना अच्छे से आ गया, अगर आपको अच्छे से लेवल निकालना आ गया, तो आप जो है कभी मार्केट में फेल नहीं होंगे। अगर आपको चार्ट ही ड्रॉ करना नहीं आया, तो आप ट्रेड किस बेस पर लेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये मैं अपना टेलीग्राम चैनल में आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये देखिए, इस टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया हुआ है, ये सब की कौन से एंगल्फिंग होती है, ये बुलिश हरामी है, बेरिश हरामी है, ये सब है। और मैंने इसमें आपको ये देखिए इस तरह से चार्ट एनालिसिस भी करके दिखाई हुई है कि ये फ्लैग पैटर्न होता है, और फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो वो फिर एक ब्रेकआउट कौन सा होता है और रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने पहले पोस्ट किया था, उसका जब इसका ब्रेकआउट हुआ, इसको मैंने बताया था कि 2175 के ऊपर आपने बाय करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय करने के लिए, तो आपने बाय नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको व्यू करना है, आपने देखना है कि हाँ ये पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। ये जो मैंने फ्लैग पैटर्न बनाया उसका रिजल्ट ये है। ये देखिए, ये कैसे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और कैसे ऊपर गया। और ये मैंने यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर डाल रखी हैं कि कौन कौन से पैटर्न मार्केट में बनते हैं, डाइवर्जेंस कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ पर बुक्स वगैरह डाल रखी हैं। मैंने यहाँ पर 100 से ज्यादा बुक्स मैंने डाल रखी हैं, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप लाख लाख 2-2 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं। आपको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाइए, चैनल ज्वाइन करिए और यहाँ पर आपको सारी बुक्स मिलेंगी, टेक्निकल एनालिसिस की मिलेंगी, चार्ट की मिलेंगी, और ये देखिए ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट कैसे होता है उसकी बुक मिलेगी, और ब्रेकआउट कौन सा सही है कौन सा गलत है वो मिलेगी। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बुक्स वगैरह मिलेंगी, कैंडल स्टिक की सारी बुक मिलेंगी, ये कैंडल स्टिक कैसे काम करते हैं वो बुक मिलेंगी। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये सारे मैंने चार्ट पैटर्न चार्ट में ड्रॉ करके रखे हुए हैं। मेरा ये चार्ट ड्रॉ करने का मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आपको चार्ट ड्रॉ करना आ जाए, वो भी फ्री में, आपको किसी को 1 रुपया पे ना करना पड़े। मेरा मेन मोटिव ये है ये चैनल शुरू करने का। तो जैसे देखिए, जैसे मैं चार्ट पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप भी उस स्क्रिप्ट में जाइए और जिस तरह से मैंने सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, जिस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको ड्रॉ करके देखिए। तो इस तरह से आपको जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा कि मार्केट कैसे काम करती है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो ये देखिए इसमें आपको पता लगता रहेगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी यहाँ पर मैंने देखिए सारी मैंने बुक्स डाल रखी हैं, मिस्टेक कौन कौन सी हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में सारा बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 100 से ज़्यादा बुक्स डाल रखी हैं। एक यहाँ पर ट्रेड एंड डिसीजन पॉइंट है, तो ये 3 वर्जन में है, तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इसको आप प्लीज जरूर जाके देखिए ये कैसे काम करती हैं। ये देखिए, ये सारी बुक्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टोटल मैंने स्टार्टिंग में मैंने 100 से 150 बुक्स डाल रखी हैं। तो ऑप्शन के बारे में है, डेरिवेटिव के बारे में है, ये देखिए ये डेरिवेटिव के बारे में है, और कैश मार्केट के बारे में है। तो ये सारी बुक आप पढ़िए, देखिए, समझिए, और जो है अपने चार्ट पर आप ड्रॉ करके देखिए कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। इसमें सारे चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताया गया है, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल की बुक है और डिसेंडिंग ट्रायंगल की बुक मिलेगी आपको। तो ये बुक आप जरूर पढ़िएगा, जो डिसीजन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें नियर अबाउट आपकी 90% तक की क्वेरी क्लियर हो जाएगी। ये सारी देखिए, ये सारी बुक्स मैंने डाल रखी हैं, और ये सारे मैंने ये चार्ट पैटर्न वगैरह हैं। मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे ये देखिए कप एंड हैंडल, ये पैटर्न मैंने बना के रखा हुआ है कि ये कैसे काम करता है,
और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इंडिया बुल्स का मैंने डाल रखा है, इसको मैंने दिया था शायद 325 रुपये के ऊपर दिया था और ये 335 रुपये का हाई लगा कर आया था। तो ये भी जो है मैं अपना इंट्राडे के लिए भी मैं कॉल्स वगैरह इसमें देता रहता हूँ। और ये देखिए ये चैनल में मार्केट किस तरह से काम करती है। आप इसको अपने चार्ट में जाइए, इसको ड्रॉ करिए, सीखिए, देखिए, समझिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे वैसे वैसे आपको इस चैनल को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है खुद ब खुद जो है आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जाएंगी कि आप जो है चार्ट देखते ही उस पर आप उस पर पैटर्न ढूंढ लेंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो है आपने चार्ट ड्रॉ किया और चार्ट में आपने पैटर्न ढूंढ लिया, पैटर्न ढूंढने के बाद आपने उसका ब्रेकआउट देखा। पैसे देखिए यहीं से बनते हैं, पैसे जो है अगर आपने सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सीख ली है, सही से पैटर्न बनाना सीख लिया है, सही से आपने ब्रेकआउट पकड़ना सीख लिया है, तो आपको इस मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिए ये एक जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये देखिए बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है अशोक लेलैंड के चार्ट में। तो इस तरह से आप भी जो है चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कहीं किसी पेड चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को जो है पैसे देने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो ही चीजें काम करती हैं, एक तो आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना सही से आना चाहिए, सेकंड आपकी एंट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आपने सीख ली तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जो यहाँ पे चार्ट देखने हैं, अब ये देखिए जो क्रूड ऑयल का है यहाँ पर मैंने एंट्री जो है 4390 पर मैंने बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4390 के बाद देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ था और ये लमसम 200 पॉइंट का ब्रेकआउट था। तो जिस भी भाई ने इसमें ट्रेड लिया होगा उसमें बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी कॉल्स वगैरह देता रहता हूँ और जो है ईओडी पे मैं अपना एंड में जो है 3:30 बजे मैं उसकी चार्ट अपना जो है एनालिसिस भी डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए चार्ट पैटर्न, अगर आपको ड्रॉ करना सीखना है, सपोर्ट कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कप एंड हैंडल कैसे काम करते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा काम करता है, डबल टॉप कैसा काम करता है, डबल बॉटम किस तरह से काम करता है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक HDFC लाइफ के इसमें जो है आपका W पैटर्न बन रहा है। तो W पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत जबरदस्त होता है और मेरे हिसाब से जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये 101% काफी अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तो और यहाँ पर देखिए ये देखिए जो बजाज फिंसर्व एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप चैनल ड्रॉ करके देखिए कि आप ये चैनल सही से ड्रॉ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इन चार्ट को फॉलो करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी चार्ट पर पैटर्न ढूंढने के लिए। और जब आप चार्ट पर पैटर्न ढूंढना आपकी आंखें शुरू कर देंगी फिर जो है आप अच्छा प्रॉफिट वहां से बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पिछले दिन की मैं कॉल बता रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, जैसे मैं यहाँ पर इंट्राडे की कॉल वगैरह भी देता रहता हूँ। तो आप इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और ट्रेड लेने से पहले जो है अपना एनालिसिस जरूर उसमें करिए। और अभी जरूरी नहीं है कि आप इस जाते ही इसमें जो है मेरे कॉल देखकर आप ट्रेड लेना चालू कर दीजिए। आप उस चार्ट को देखिए, सीखिए कि मैंने किस तरह से ये लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं और आप भी उन लेवल को ड्रॉ करिए। धीरे धीरे ड्रॉ करते करते आपको जब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो आपको जो है ये सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। तो ये देखिए मैंने शायद ये परसों की है, मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिया था 1442 रुपये पर और इंट्राडे की कॉल है, ये लिखा है ना टुडे इंट्राडे कॉल्स रिपोर्ट, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिया था 1442 रुपये पर बाय करने के लिए दिया था और ये 1505 रुपये का हाई लगा कर आया था। तो ये 53 पॉइंट हमको इंट्राडे में हमारी मूवमेंट हो गई थी, मतलब हमने बुक नहीं किया था 53 पॉइंट, मतलब वो मूवमेंट हुई थी 53 पॉइंट। हमने क्या पता 40 पॉइंट बुक किया हो, हमने क्या पता 42 बुक किया हो, हमने क्या पता 25 ही बुक किया हो। देखिए और ये मैंने MRF मैंने बाय करने के लिए लिया था 66,900 पर और इसने हाई लगाया था 67,700 का। तो MRF में हमको 800 पॉइंट की 800 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी। और नेक्स्ट मैंने दिया था HDFC बैंक, ये मैंने 1282 रुपये पर दिया था और इसने 1288 का हाई लगाया था, तो यहाँ पर 6 पॉइंट हमको इंट्राडे में मिल गए थे। और टाइटन मैंने सेल करने के लिए दिया था 1150 रुपये पर और इसने 1140 का इसने लो लगाया था, तो इसमें 10 पॉइंट हमको इंट्राडे में मिल गए थे।
बजाज ऑटो मैंने सेल करने को दिया था 3150 पे, और 3112 का लो लगाया था, तो 38 पॉइंट हमको इंट्राडे मिल गया था। तो ये 5 कॉल दी थी, तो 5 की 5 कॉल में जो है हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये देखिए चार्ट जो है, मैंने चार्ट किस बेसिस पे मैं देता हूँ, ये 5 कॉल्स आखिर क्यों जो है प्रॉफिटेबल गई, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जो हमने चार्ट जो ड्रॉ किए हैं, जो हमारे चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट सही ड्रॉ हुए हैं और हमने लेवल को पकड़ा है। ये देखिए ये किस तरह से ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो इस तरह से भी जब मुझे कोई मार्केट में इस तरह का कोई सिनेरियो दिखता है कि यहाँ ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो मैं वो पिक मैं इसमें डाल देता हूँ कि आप लोग को इससे हेल्प मिले। तो और उसके बाद देखिए मैं इस तरह से पैटर्न डालते रहता हूँ कि आपको डाइवर्जेंस वगैरह का पता लगे कि डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं। वैसे मेरा जो मोटिव है वो इंडिकेटर पे बिल्कुल नहीं है, मैं इंडिकेटर पे बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, मैं टोटली प्राइस एक्शन पर काम करता हूँ। और मेरा अपना कुछ सेटअप है, मैं उन सेटअप पर काम करता हूँ, और मेरी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी है, मैं उन स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ जिससे मैं मार्केट से अच्छे प्रॉफिट निकाल पाता हूँ। तो और ये देखिए उससे पहले कि मैं कॉल आपको दिखा रहा हूँ, बाटा मैंने बाय करने को दिया था, उससे पिछले दिन की है, 1765 पर दिया था, 1770 का हाई लगाया था, 5 पॉइंट हमको मिले थे, उसके बाद ये शेयर नीचे आ गया था और हमारा ट्रेडिंग एसएल हिट हुआ था। आईबुल मैंने बाय करने को दिया था 307 रुपये पर, 316 का हाई लगाया था, 9 पॉइंट से यहाँ पर हमको इंट्राडे मिल गए थे। जुबिलेंट फूड मैंने दिया था 1650 पर, 1665 का हाई लगाया था, और यहाँ पर 15 पॉइंट हमको इंट्राडे मिल गए थे। तो मैं यहाँ पर जो है डेली यहाँ पर अपनी इंट्राडे की कॉल देता हूँ, और ये मेरी कॉल बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप जो है चैनल पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, देखिए कि ये जो मैंने चार्ट पैटर्न जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये मैंने किस बेस पर ड्रॉ करके रखे हैं। अगर मेरे कई भाई, मेरे कई दोस्त इस तरह ऐसे लोग भी हैं जो 4 साल से 5 साल से इस मार्केट में हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ही अभी तक ड्रॉ करनी नहीं आती है। तो मान लीजिए उन्होंने अपना लेवल ही गलत ड्रॉ कर लिया, अगर लेवल ही गलत ड्रॉ हो चुका है तो आप तो एंट्री तो उसी बेस पर लेंगे ना। तो इसलिए जो है आप लेवल आपको सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, अगर आपका लेवल सही ड्रॉ है तो आप जो है मार्केट से अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। यहाँ देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने जो है दिया हुआ है, ये 1 आवर का चार्ट है, तो ये देखिए किस तरह से मैंने लेवल इसमें ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है, ज्वाइन करना है, उसके बाद जो जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न ड्रॉ है आपने वो अपने चार्ट खोलने हैं, चार्ट खोलने के बाद जो है आपने सेम इसी तरह से पैटर्न फॉलो करना है। और जैसे जैसे आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीना 4 महीना, और मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने ज्यादा नहीं 2 महीने चैनल को फॉलो कर लिया और चैनल के चार्ट वगैरह को देख लिया, तो आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप जो है यहाँ पर फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं और आप फ्री में ही सब कुछ सीख जाएंगे। आप जो है जाते हैं लोगों की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, किसी को 20,000 रुपये फीस देते हैं, किसी को 50,000 रुपये फीस देते हैं, मगर वो जीरो हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका, जीरो होता है। मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग ज्वाइन की होगी, बहुत कोर्स लिए होंगे, बट रिजल्ट क्या है उनका, अभी भी जीरो होगा, और अभी भी जो है इंटरडे के एंड में वो जो है अपना लॉस में ही, रेड में ही अपना जो है लैपटॉप या अपना पीसी ऑफ बंद करते होंगे, वो आज भी लॉस में होंगे। तो इसलिए आपको देखिए, आप ट्रेनिंग में जाते हैं, आपने 1 दिन की ट्रेनिंग लगाई या 2 दिन की ट्रेनिंग लगाई, आपको वहां पर बता दिया जाता है कि ये मूविंग एवरेज लगा लो, ये इस तरह से काम करेगी, ये पैटर्न लगा लेना, ये इस तरह से काम करेगा, बट वो सब बेकार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए मार्केट में आपको सच कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है, दूसरी कोई चीज फॉलो नहीं करनी है। प्राइस एक्शन आपने फॉलो कर लिया, आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, आपको पैटर्न अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। देखिए कई दोस्तों को ऐसा होता है कि मैं, अब देखिए मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, तो उनको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं मेरा चार्ट सही है कि नहीं सही है, अब जो है मैं इसके बेस पे ट्रेड लूं या कि ना लूं, तो वो जो है मतलब असमंजस में होते हैं कि मैं क्या करूं। तो मैंने ऐसे भाई दोस्तों के लिए एक सर्विस शुरू की है, ये देखिए सर्विस शुरू की है, जो कि आप मेरे को अपना चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके आप मुझे भेज सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन करके रखी हुई है, आप अपना जो भी चार्ट पैटर्न अगर आप सीखना चाहते हैं, डेडिकेटेड है, तो ये टाइम पास लोगों के लिए नहीं है, ये टाइम पास लोगों का मैं बिल्कुल जो है मैं चार्ट वगैरह बिल्कुल नहीं देखता हूँ,
हाँ अगर कोई डेडिकेटेड है, सीखना चाहता है, पैसे नहीं है, फ्री में सीखना चाहता है, तो मैं उसको फ्री में सिखाऊंगा, मैं उसे एक रुपये भी कॉस्ट चार्ज नहीं करूंगा। तो ऐसे दोस्तों के लिए ही मैंने सर्विस शुरू की हुई है। आप अपना चार्ट पैटर्न ड्रॉ करिए, चार्ट ड्रॉ करिए, उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है कि मेरा चार्ट पैटर्न सही से ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे इस मेल आईडी पर वो जो है पैटर्न अपना चार्ट भेज सकते हैं, या फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां पर भी चार्ट भेज सकते हैं। अगर उस चार्ट में कोई गलती हुई या फिर कोई इम्प्रूवमेंट करने वाला हुआ, तो मैं अगर वो चार्ट पैटर्न सही हुआ तब तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चार्ट जो है आपका सही ड्रॉ है, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जो है और चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके उस बिहा पे ट्रेड ले सकेंगे। और अगर वो चार्ट पैटर्न गलत हुआ तो मैं आपको जो है आपको वो चार्ट पैटर्न सही करके, वो चार्ट जो है उसमें जो भी ड्राइंग की गई होगी, मैं वो चार्ट सही करके आपको दोबारा से पोस्ट करूंगा, तो उसमें आपको गलती पता लग जाएगी। ऐसा अगर मान लीजिए आपने 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी कहाँ पर गलती हो रही है और मैं कौन सा पैटर्न गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आपने 50 पैटर्न मुझे भेजे और 50 पैटर्न को मैंने चेक किया और चेक करने के बाद उसमें कोई गलती हुई, तो वो गलतियां ढूंढ के मैं आपको भेजना शुरू कर दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं। देखिए ऐसे ही आपको सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा, आपको पेड सर्विस लेने के बाद भी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं करेगा जैसी सपोर्ट मैं आपको फ्री में करने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर देखिए मैंने आप मेंशन भी किया हुआ है कि आई हैव स्टार्टेड फ्री सर्विस, यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस फ्री सर्विस इफ एनी वन डेडिकेटेड एंड सीरियस लर्नर ओनली वॉन्ट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ड्रॉइंग, आई विल हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करूंगा। यू कैन सेंड यूर चार्ट ड्रॉइंग टू मी इफ फाउंड, आप अपना जो है चार्ट मुझे भेज सकते हैं। इफ आई फाउंड एनी मिस्टेक चार्ट आई विल पोस्ट यू राइट चार्ट, अगर मैंने उस चार्ट में कोई गलती देखी तो मैं आपको जो है सही चार्ट जो है मैं आपको पोस्ट करूंगा। ड्रॉ ऑफ लेवल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट, जो हम जो लेवल ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पर वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने उसी के बिहा पर हमने ट्रेड लेना होता है। द एक्यूरेट लेवल्स मेक्स मनी हेयर, जो अच्छा बिल्कुल सही लेवल ड्रॉ किए होते हैं ना वही यहाँ पर पैसे बनाते हैं। अगर आपने लेवल ड्रॉ गलत कर लिया तो आपको पैसे बना के नहीं देंगे, वो आपका बार बार स्टॉप लॉस ही खा के जाएंगे और आपका जो है कैपिटल जीरो कर देंगे। तो ये सर्विस मेरे ऐसे भाई लोगों के लिए है, अगर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये देखिए आप जो है ये सब चार्ट पे जाइए, देखिए ये मैंने किस तरह ड्रॉ किया हुआ है, फ्लैग पैटर्न किस तरह से काम करता है, और जो है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, हमने कहाँ पर ट्रेड लेना है। और आप जब इन चार्टों पर जाएंगे तो आपने देखेंगे कि मेरे चार्ट में कितनी ड्राइंग की होती है, और मेरे चार्ट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक इंडिकेटर होता है RSI होता है, और बाकी एक दो मूविंग एवरेज होते हैं जिनको मैं बहुत रेयर ही यूज करता हूँ, बट मेरे आपको चार्ट पर सिर्फ एक इंडिकेटर दिखाई देगा और वो है RSI, और उस RSI का भी मैं ओनली डाइवर्जेंस के टाइम में यूज करता हूँ, जब डाइवर्जेंस बनता है मैं तभी उसको यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं RSI को भी नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ अपनी प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, मैं अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ जो सेटअप मेरे पास है, और मैं अपनी मेरी कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज हैं जो मेरी अपनी पर्सनल बनाई हुई है, मैं उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है मुझे बहुत अच्छे रिटर्न देकर जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे चार्ट पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे एक डार्बस बॉक्स टाइप का ये देखिए बना हुआ है, तो डार्बस बॉक्स में आप देखिए यहाँ पर जो है नियर अबाउट 1000 रुपये पर ब्रेकआउट हुआ था और ये 600 650 रुपये का लो लगाकर आया था, तो 350 पॉइंट हमको यहाँ से मिले थे। ये देखिए ये किस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह से ये सपोर्ट ड्रॉ किया जाता है और किस तरह से इनका ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखी थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट का हमने बेनिफिट उठाया, अब यहाँ पर जो है फ्लैग पैटर्न बन गया है ये शायद, हाँ ये जुबिलेंट फूड में हो रहा है, तो जुबिलेंट फूड में भी जो है अब ब्रेकआउट हो चुका है फ्लैग पैटर्न का। तो ये सब चीजें आपको पकड़नी है, ये सब चीजें आपको देखनी है, समझनी है कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। आपने आंखें बंद करके जो है मार्केट में नहीं कूद जाना है, क्योंकि देखिए पैसे आपके हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो इसलिए आपको इसमें बहुत सोच समझ कर लगाना है। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ना तो मार्केट कहीं भागी जा रही है ना कहीं आप भागे जा रहे हो, कुछ नहीं करना है, आप 2 महीना पहले सीख लीजिए, मैं आपको फ्री में सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, आपको ऐसी सर्विस कोई नहीं देगा,
मैं आपको फ्री में यहाँ पर सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप सीखिए। मेन चीज होता है चार्ट ड्राइंग करना, और चार्ट ड्राइंग करने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हूँ। आप अपने पैटर्न मुझे ड्रॉ करके भेजिए, कोई गलती अगर मुझको उसमें मिलती है तो मैं आपको जो है दोबारा उसको चार्ट को सही करके मैं आपको भेजूंगा। हाँ, पर याद रहे कि एक दिन में 2 से 4 चार्ट हो, बहुत ज्यादा चार्ट ना हो, क्योंकि मेरे को 100 से 200, 100, 200, 500 चार्ट डेली के आते हैं, तो मैंने सब लोगों को रिप्लाई करना होता है। तो कोशिश ये रहे कि जो चार्ट आपको मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जिस चार्ट पर कि हाँ ये चार्ट मैंने सही ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप वही भेजिए। अगर उसमें भी कोई गलती मिलती है तो आपको जो है अपनी गलती पहचानी पता लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है 2 से 4 चार्ट भेजिएगा, बहुत ज्यादा मत भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बाकी जो है आप जो है यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि अपना मैंने पैटर्न कैसे ड्रॉ किए हुए हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। बाकी ये देखिए, मैं डेली की इसमें पोजीशन कॉल भी देता रहता हूँ। पोजीशन कॉल में जैसे ये देखिए, अब एशियन पेंट मैंने बाय करने के लिए दिया था 1782 रुपये पर, ये 1807 पे गया, मतलब ये एक दिन पहले दिया था, ये अगले दिन की रिपोर्ट है। और पीडीलाइट मैंने बाय करने को दिया है 1365 पर, इसने 1382 का हाई लगाया था। डीमैट दिया है 1883 पर, और ये 1960 रुपये का हाई लगाया था, मतलब ये ट्रेड होल्ड है अभी, ये मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। तो और ये देखिए, जो मैंने उस दिन की इंट्राडे कॉल दी हुई थी, पीवीआर मैंने बाय करने के लिए दिया था 1825 रुपये पर, 1851 रुपये का हाई लगाया था। यहाँ पर हमको 26 पॉइंट इंट्राडे मिल गए थे। बजाज ऑटो सेल करने के लिए दिया था 3192 पर, तो इसने 3183 रुपये का लो लगाया था, तो यहाँ पर हमको 9 पॉइंट्स मिल गए थे, उसके बाद हमारा ट्रेडिंग ऐसा हिट हुआ था। और पीडीलाइट मैंने दिया था बाय करने को 3166 रुपये पर, इसने 3182 का हाई लगाया था, सॉरी 3182 का 16 पॉइंट हमको यहाँ पर इंट्राडे मिल गए थे। और आईटीसी वोल्टा सन टीवी हमारे जो है लेवल एग्जीक्यूट ही नहीं हुए थे। तो मैं यहाँ पर जो है आपको डेली इंट्राडे की कॉल भी देता हूँ, जो है 4 से 5 कॉल या 6 कॉल भी हो जाती हैं, और जो है मतलब उसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ कि अब यहाँ पर आप जो है 50% अपना क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी जो है अपना एसएल जो है कंटिन्यू ट्रेल करते जाइए। और जो उसकी रिपोर्ट मैं जो है शाम को 3:30 बजे मैं अपने चैनल पर डाल भी देता हूँ कि आज जो है मैंने जो इंट्राडे की कॉल दी थी उसका मतलब किस कहाँ पर प्रॉफिट हुआ या कहाँ पर लॉस हुआ, वो सारी रिपोर्ट जो है आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि जो जो मैंने कॉल दी हुई है उसको 3:30 बजे उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह जो है मैं 3:30 बजे मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी जो है शेयर मार्केट में जो बात होती है वो होती है नॉलेज। तो अगर नॉलेज आपको कहीं से भी मिलती है तो ले लीजिए, चाहे मुझसे मिलती है या किसी और से मिलती है, तो नॉलेज जरूर रखिए। देखिए, आदमी वही है जो टाइम के हिसाब से बदलता रहे, टाइम के हिसाब से सीखता रहे, नई नई चीजें मार्केट में क्या आ रही हैं उससे अपडेट होता रहे, तो जो है वही आदमी मार्केट में पैसा बना सकता है। ये देखिए एमएनएम का चार्ट है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई डिमांड जो है किस तरह से काम करता है उसके बारे में मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है। देखिए, ये सब चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी उसमें नहीं मिलेंगे। बुक में अगर एक बुक होगी तो उसमें एक टॉपिक पर बात किया गया होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको हर टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। यहाँ पर जो है इंट्राडे के बारे में भी मैं कॉल जो है आप देख सकते हैं, और जो है पोजिशनल की कॉल्स भी मैं देता रहता हूँ वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर चार्ट भी जो है ड्रॉ करना सीख सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल शायद ही कोई 2-4 ऐसे लोग होंगे जो अपनी चार्ट जो है अपने चैनल पर पोस्ट करते होंगे, अदरवाइज अपने चार्ट कोई पोस्ट नहीं करता है। देखिए, अपनी चीजें कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, वो चीजें बताते हैं सिर्फ पैसे लेकर और पेड़, ठीक है ना। तो ऐसे सिर्फ 2-4 चैनल ही होंगे जो मतलब चार्ट जो है पोस्ट करते होंगे अपने चैनलों पर, क्योंकि देखिए जब हमने चार्ट ही पोस्ट कर दिया तो समझ लीजिए हमने तो अपनी सारी नॉलेज निकाल कर आपके सामने रख दी, ठीक है ना। तो अब हमारी वैल्यू क्या रह गई, हमारी वैल्यू तो कुछ भी नहीं रहेगी ना, अब हमसे कौन सीखेगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो लोग जो है अधिकतर जो है अपने चैनलों पर क्या करते हैं, कॉल दे देते हैं कि ये कॉल मैंने दे दी, इसको बाय कर लो, उसको सेल कर लो। बट मगर आप अगर आप उसमें पैसे लगाने जा रहे हो तो आप किस बेस पर लगाने जा रहे हो, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि इन्होंने किस बेस पर ये कॉल दी है। अब इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, आपको कॉल के साथ साथ आपको चार्ट भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, इस चार्ट में ऐसा नहीं होगा, ये कॉल गलत दे रखी है, तो आप जो है उस कॉल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, चार्ट शायद ही कोई कोई पोस्ट करता होगा, चार्ट हर किसी के पास का नहीं है पोस्ट करना, क्योंकि हर आदमी अपना जो है दिमाग निकाल कर आपके सामने नहीं रखेगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तो
उसका काम नहीं चलेगा। तो मेरे में हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है मार्केट को सीखें, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं और जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके पास, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9878137600, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं होती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप जाइए, देखिए चार्ट वगैरह किस तरह से काम करते हैं, इंट्राडे जो मैंने कॉल दे रखी है वो मतलब कितना आपको प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट दे रखी है, और जो है पोजिशनल कॉल कितना प्रॉफिट में है। अब ये देखिए इंट्राडे की मैं एक और आपको कॉल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। भारत फोर्ज मैंने यहाँ पर दिया था बाय करने के लिए 485 रुपये पर, और इसने 497 का हाई लगाया, तो यहाँ पर 3% का जो है हमने इंट्राडे में प्रॉफिट निकाल लिया था। NIIT टेक हमने बाय करने को दिया था 1600 रुपये पर, और 1628 का हाई लगाया, और यहाँ पर हमने 28 पॉइंट इंट्राडे में मूवमेंट हमने यहाँ पर देखी। MGL में जो है बाय हमने दिया था 1070 पर, और इसने 1083 का हाई लगाया, तो यहाँ पर हमने 13 पॉइंट की हमने मूवमेंट देखी। HDFC बाय हमने करने को दिया था 2440 पर, और 2459 का हाई लगाया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 19 पॉइंट इंट्राडे में लिए। और जो है एयरटेल बाय करने को, एयरटेल जो है गैप अप ओपन हुआ और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। सन टीवी सेल करने को दिया था 450 पर, 441 का लो लगाया, और यहाँ पर हमको 2% जो है इंट्राडे में प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर हमारी सारी 100% कॉल जो है प्रॉफिटेबल गई। तो आप जो है इस चैनल पर आप जाकर कम हमारी जो है एक्यूरेसी देख सकते हैं कि इंट्राडे कॉल की क्या एक्यूरेसी हमारी आ रही है, कि 20% है, 50% है, या 100% है, या 90% है। बाकी देखो 100% तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। आपसे देखिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको 100% यहाँ से रिटर्न मिलेगा, तो देखिए 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। और खासकर जो है इंदौर के जो लोग बैठे हैं, जो इंदौर से कॉल वगैरह आती हैं, उनसे तो आप बिल्कुल दूर रहिए। उन्होंने देखिए, आप ना उनको जानते हैं ना आपने उनको कभी देखा है, तो उन्होंने क्या करना है आपसे जो है पेड सर्विस आप उनसे चालू कर लेंगे 10,000 20,000 रुपये देकर, और वो जो है आपका सारा कैपिटल जीरो कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कौन थे, कहाँ हैं, ना ही आप उनसे कभी मिल सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद सीखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए। देखिए आपको 1 रुपये मैं चार्ज तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ नहीं मुझे 500 रुपये दो महीने का, या 1,000 रुपये दो। हाँ, एक मेरा पेड चैनल, एक मेरा पेड सर्विस है, वो अलग है, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे 1 रुपये पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ, और वो भी बहुत लिमिटेड है, वो मैं बहुत कम लोगों को वो देता हूँ अपनी पेड सर्विस। और मुझे अभी भी जो है मुझे कई कॉल आती हैं कि सर हमको भी पेड सर्विस में अपना जो है ज्वाइन करा लो। तो देखो मेरे पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब मैं इकट्ठे 100 लोगों को जो है मैं हैंडल कर सकूं। मैं देखिए मैं हैंडल उतने लोगों को ही करूंगा जितने लोगों को मैं हैंडल कर सकता हूँ, जितने लोगों का मैं ध्यान दे सकता हूँ, जितने लोगों को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन कर लिया, जो है सर्विस दे दी, और मैं उनको सपोर्ट ना दे पाऊँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं मार्केट से बहुत अच्छे पैसे, बहुत ही अच्छे पैसे कमा लेता हूँ इंट्राडे से, और इंट्राडे मेरा फेवरेट है, मैं इंट्राडे ही ज्यादा करता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि मतलब मैं किसी के पैसे जो है पैसे लेकर फिर उनको मैं सर्विस वगैरह करूँ। मेरे लिमिटेड लोग हैं, मैं लिमिटेड लोगों को ही अपने पास रखना चाहता हूँ, बस इतना मेरा मोटिव है। बाकी आप यहाँ पर जाइए, देखिए कि ये चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, और जो है कैसे मुझे चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर A to Z चीजें सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इतनी चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, टोटल चीजें आप यहाँ पर सीख जाएंगे, किस तरह से मार्केट काम करती है, कैसे चार्ट पैटर्न ड्रॉ किए जाते हैं, और कैसे लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे ब्रेकआउट होता है, मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, कहाँ पर सपोर्ट लेता है, चैनल ब्रेकआउट क्या होता है, सपोर्ट ब्रेकआउट क्या होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और कॉल दिखा दूँ जो है इंट्राडे की, बजाज फिंजर्व जो है मैंने 9300 रुपये पर दिया था बाय करने के लिए, और 9389 रुपये का बाय लगाया था, तो लमसम 90 पॉइंट हमको यहाँ पर इंट्राडे में मिल गए थे। डिवी स्लैब बाय करने को दिया था 1865 पर, और 1870 का इसने हाई लगाया, तो 5 पॉइंट यहाँ पर हमको मिले थे। बाकी हमारी पांच छह चार पांच कॉल यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई थी। तो ये देखिए आप यहाँ पर डेली जो है 10 से 20 चार्ट आपको डेली मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे, आपको लेवल ड्रॉ करने में किस तरह से काम करते हैं लेवल, वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और उससे पहले कि एक मैं आपको इंट्राडे कॉल की रिपोर्ट दिखा दूं, इंडिगो मैंने सेल करने को दिया था 1292 पर, इसने 1305 का जो है, हाँ 1292 पर दिया था 1305 से, तो
तो 12 पॉइंट हमको यहां पर मिल गए थे। रेमंड मैंने सेल करने को दिया था 675, फिर 675 पे पर, और इसने 671 का लो लगाया, 4 पॉइंट हमको मिल गए। उसके बाद हमारा ट्रेलिंग ऐसा लेट हुआ इसमें। एमआरएफ मैंने बाय करने को दिया था 64,850 रुपए पर, और इसने 63,900 से दिया था और 64,850 का हाई लगाया, तो इसमें एमआरएफ में हमको 950 पॉइंट हमको मिले थे। सीमस मैंने बाय करने को दिया था 1487 रुपए पर, और 1518 का हाई लगाया था, यहाँ पर हमको 2% का इंट्राडे प्रॉफिट मिल गया था। एसआरएफ मैंने सेल करने को दिया था 3290 पर, और इसने 3261 का लो लगाया था, तो इसमें हमारे को 29 पॉइंट हमको मिल गए थे। क्रूड ऑयल का फ्यूचर जो है हमने दिया था 4250 रुपए पर, और उसने 4272 रुपए का जो है हाई लगाया था, तो यहाँ पर हमको 22 पॉइंट हमको इंट्राडे मिल गए थे। तो इस तरह से आप चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, चार्ट वगैरह सीख सकते हैं, इंट्राडे कॉल वगैरह देख सकते हैं, पोजिशनल की कॉल वगैरह देख सकते हैं। बस बाकी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर तैयार बैठा हूँ, आप सीखने वाले बनिए, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी जो भी मेरे इस चैनल पर दोस्त नए आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।